गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम है और इसके पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम करेंगे पोएम का इंट्रोडक्शन, फिर पोएम का इंट्रोडक्शन होगा, फिर रीडिंग करेंगे और एंड हम थीम को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। Robert Frost was an American poet. He was born in 1874 and he died in 1963. Robert Frost को poet of nature भी कहा जाता है क्योंकि अपनी poem में mostly discusses nature. जितने भी natural elements हैं उनको discuss करता है. Natural elements जैसे कि forest, rain, flowers, lakes, woods, इस तरह की चीजों को discuss करता है because he is greatly fascinated by nature, by natural objects. लेकिन नेचर के साथ साथ वो अपनी पोएम में एक कोई ना कोई मैसेज लाजमी कन्वे करता है, जैसे कि द रोड नॉट टेकन इसकी फेमस पोएम है और इसके अलावा मेंडिंग वॉल्स एंड द पोएम आल्सो अंडर आवर डिस्कशन स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अपेरेंटली ही डिस्कसेस अ नेचुरल सीनरी, नेचुरल ब्यूटी, बट एट द एंड ही लीव्स हिज रीडर्स विद अ थॉटफुल माइंड। अब हम इसकी पोइम को डिस्कस करेंगे। ये एक सिंपल सी पोइम है। देयर आर फोर स्टैंजास इन दिस पोइम। जो पोइम होती है उसके स्टैंजा होते हैं उसको इसको आप बंक कहते हैं। 1, 2, 3, 4 स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3 एंड स्टैंजा 4। वन बार हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। Whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसका है? I think मेरा ख्याल है, I know मैं जानता हूँ। His house is in the village though. हालांकि उसका घर एक गांव में है, जिसका ये जंगल है उसका घर गांव में है। If he will not see me stopping here, वो मुझे नहीं देखेगा यहाँ रुके हुए। To watch his woods fill up with snow, कि मैं यहाँ रुक के उसके जंगल को देख रहा हूँ और उसका जंगल इस वक्त बर्फ से ढका हुआ है, स्नोफॉल हो गया और उसका जो जंगल है वो बर्फ से भर गया है, स्नोफॉल से वाइट हो गया है। फर्स्ट स्टैंजा में वो बता रहा है कि जो पॉइंट है वो जा रहा है, रास्ते में उसको खूबसूरत जंगल का एक नजारा आता है, उसको देखने के लिए वो रुक जाता है और वो उसको ये कहना चाहता है कि जिसका ये जंगल है वो उस आदमी को जानता है, वो एक गांव में रहता है लेकिन वो इस वक्त उसको नहीं देख रहा है। जिसका जिस आदमी का ये जंगल है, जो मालिक इस जंगल का, वो गांव में रहता है लेकिन उसको नहीं पता कि मैं यहाँ खड़ा होकर उसके खूबसूरत जंगल का नजारा कर रहा हूँ। स्टैंजा नंबर 2। माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक क्यूर मतलब स्ट्रेंज अजीब। मेरे लिटिल का मतलब यंग, मेरे छोटे यंग हॉर्स को ये बड़ा अजीब लग रहा होगा टू स्टॉप विद आवर फार्म हाउस नियर, कि मैं यहाँ रुक गया हूँ और यहाँ पास में कोई फार्म हाउस भी नहीं है। अगर मैं रुका हूँ तो कोई ना कोई मकसद होना चाहिए कि कोई फार्म हाउस है, कोई चीज़ चाहिए या नहीं, लेकिन इस वक्त कोई फार्म हाउस भी नहीं है और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ तो ये देख के मेरे घोड़े को, मेरे हॉर्स को बहुत अजीब लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, जहाँ पे वो खड़े हुए हैं उसके एक तरफ जंगल है और उसकी दूसरी तरफ एक फ्रोजन लेक है, जमी हुई झील है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये साल की सबसे अंधेरी रात है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और ये दिसंबर होती है और ये साल की सबसे काली अंधेरी रात है। जब मैं यहाँ पे रुक गया हूँ सड़क पे, एक तरफ जंगल है उसका नजारा है और एक तरफ जमी हुई लेक है उसका नजारा है, तो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। मेरा घोड़ा बहुत परेशान हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं यहाँ क्यों रुक गया, उसको यहाँ मेरे रुकने की कोई रीजन नहीं पता चल रही है, मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, इसलिए वो परेशान हो गया। नाउ स्टैंजा नंबर 3। He gives his harness bells a horse. He उसके घोड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। He gives his harness bells a shape. वो उसके घोड़े के जो लैदर बैग उसके गले में है उसके ऊपर घंटियां लगी हुई हैं, उसको शेक करता है। वो अपने जो नेक की बेल्ट है उसको जो घंटी है उसको शेक करता है, उसको हिलाता है। तो आज पूछने के लिए इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, हम अगर रुक गए यहाँ पे क्यों रुके हैं, वो पूछना चाह रहा है, वो अपने मास्टर से अपने मालिक से पूछना चाहता है कि हम यहाँ पे क्यों रुके हैं। वो कैसे पूछता है? अपनी बेल्ट को शेक करके, अपनी जो उसके गले में घंटियां बंधी हुई है उनको हिलाता है पूछने के लिए अपने मास्टर से कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंग एंड द
डाउनी फेयर। उस वक्त जब वो शाम के वक्त वहां पे रुके हुए हैं, वहां पे बिल्कुल खामोशी है, मुकम्मल खामोशी है, उस वक्त सिर्फ कौन सी आवाज आती है? घोड़े के जो घंटियां बजाने की आवाज है, इसके अलावा जो आवाज है वो है हवा के चलने की। शाम का वक्त है, हल्की हल्की जो आवाज चल रही है उसकी भी इवन आवाज सुनाई दे रही है। इतनी खामोशी है कि जो स्नो फ्लेक्स गिर रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, उसकी आवाज भी वो सुन सकते हैं, और जो आवाज उस वक्त चल रही है उसकी आवाज भी वो सुन सकते हैं। इसके अलावा कोई और आवाज वहां पे नहीं है, मुकम्मल खामोशी है। और ये घना भी है, ये जंगल बहुत घना है, शाम का वक्त है, वहां पे अंधेरा भी है, और ये जंगल एक बहुत खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है। बट आई हैव प्रॉमिसेस टू की, लेकिन मेरे कुछ वादे हैं जिनको मैंने पूरा करना है। एंड मस्ट गो बिफोर आई स्लीप, एंड मस्ट गो बिफोर आई स्लीप, और मैंने सोने से पहले कभी मीलों का सफर तय करना है, और मैंने सोने से पहले कभी मीलों का सफर तय करना है। इसमें लास्ट एंसर हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ वो नेचुरल ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर वहां पर रुक जाता है, उसको देखने के लिए, उसको एंजॉय करना चाहता है। खूबसूरत जंगल है, स्नोफॉल हो रही है, शाम का वक्त है, एक तरफ फ्रोजन लेक है, ये उसको एंजॉय करना चाहता है, वो उस मोमेंट को, उस सीन को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन उसका हॉर्स उसको रिमाइंड करवाता है कि अभी हमने बहुत लंबा सफर तय करना है, घर वापस पहुंचना है। तो ये है, एंड मस्ट गो बिफोर आई स्लीप, एंड मस्ट गो बिफोर आई स्लीप, लेकिन उसके कुछ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको उसने फुलफिल करना है, जिनकी वजह से वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने अभी बहुत लंबा सफर तय करके घर जाना है, बाकी काम करने हैं, इसलिए वो इस खूबसूरत नजारे को अब ज्यादा देर तक नहीं देख सकता। एक्चुअली ये जो पोइम है फोर्सेंजा में रेफरेंसेस करती है नेचुरल ब्यूटी को, उसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नेचुरल सीन को डिस्क्राइब किया है कि खूबसूरत जंगल है, शाम का वक्त है, और स्नोफॉल हो रही है, वो उसको देखना चाहता है, वो उसको इंजॉय करना चाहता है, लेकिन उसका जो घोड़ा है वो उसको रिमाइंड करवाता है, उसको याद दिलाता है कि अभी हमने बहुत लंबा सफर करना है, वापस जाना है, काम करने हैं, यानी कि वो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिमाइंड करवाता है कि आपने अभी ये काम करने हैं, अभी आप यहाँ ज्यादातर नहीं रुक सकते। एक्चुअली जो थीम है इसका, एक्चुअली वो जाहिर कर रहे हैं कि नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि वो इंजॉय करना चाहता है नेचुरल ब्यूटी को, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास बहुत ज्यादा काम है जो हम इसमें अभी कर रहे हैं। इसका थीम में ही बनता है, वर्क मस्ट कम बिफोर प्ले, प्ले खेलने से पहले आपने पहले अपना काम कंप्लीट करना है, ये इसका थीम है। एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि आपने अपना पहले काम कंप्लीट करना है, फिर आपने खेलना है, और उसका ये कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर इम्पोर्टेंट देन रेस्ट। ये नहीं कि अगर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप उनको फुलफिल किए बगैर आप रेस्ट कर दिए, नहीं, एक इंसान की जो ड्यूटीज है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पहले उनको फुलफिल करेगा, फिर उसका वो जितना मर्जी रेस्ट कर दे, लेकिन ये नहीं कि अपना काम बीच में छोड़ के इनकम्प्लीट करके आप अपना रेस्ट कर दें। अगर किसी कोई थीम को हमें एक स्टूडेंट की लाइफ से रिलेट करूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स, अगर आप अपना काम करना है, होमवर्क करना है, आपने अपना लेसन लर्न करना है, कुछ भी काम करना है, लेकिन आप उसको छोड़ के इनकम्प्लीट होता है, अजको इनकम्प्लीट छोड़ के आप अपना कुछ एंजॉयमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन घर में कोई ना कोई आपको, आपके पेरेंट्स आपको रिमाइंड करवाते हैं कि आपने पहले अपना होमवर्क करना है, पहले अपना ये लर्न करना है, फिर आपने कुछ और काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम फर्स्ट, पहले आपकी जो काम है वो पूरा करने फिर आप निर्णय करने, ये इसका एक थीम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेशन। गुड बाय, टेक केयर।